इस वक्त के दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर दोस्तों एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। सभी बड़ी खबरें, दिन भर के मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा #WeSupportIndia। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ है, राहुल गांधी बनेंगे देश के अगले प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। आज यहां पर राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां पर वे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी के समर्थन में सोशल मीडिया पर जनता उतर आई है। बताते चलें, एक यूजर ने यहां पर ट्वीट किया और लिखा, भारत के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होने जा रहे हैं, जो कि आज मध्य प्रदेश में है। कल हुए चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद आज से कांग्रेस का प्रचार शुरू हो चुका है। राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के शहडोल में एक विशाल चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बताते चले, राहुल गांधी यहां पर रैली को संबोधित करते हुए इलाके की 30 सीटों को एक साथ यहां पर साधेंगे और कांग्रेस को मजबूती देंगे। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि राहुल गांधी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, और वहीं अब प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई। अगर आप लोग भी यही मानते हैं और इस ट्रेंड का समर्थन करते हैं कि राहुल गांधी होंगे देश के अगले पीएम, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक और बड़ी खबर बताते चलें, आज खत्म हो रही है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की ईडी की रिमांड, राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी करेगी पेश। जी हां दोस्तों, बताते चलें आप लोगों को, कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की 5 दिन की ईडी की हिरासत आज यहां पर खत्म हो रही है। ईडी आज संजय सिंह को एक बार फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ईडी उनके 2 करीबियों सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी से भी पूछताछ यहां पर कर चुकी है। और इससे पहले बताते चलें, जब यहां पर मनीष सिसोदिया इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जमानत के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जमकर के खरी खोटी सुनाई और कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ आपके पास सबूत कहां है, आप पहले सबूत लेकर के आइए। जिसके बाद ईडी ने कहा कि उसके पास मात्र यहां पर सरकारी गवाह ही हैं, यानी कि कोई भी सबूत नहीं है ठोस जिससे ये साबित किया जा सके कि मनीष सिसोदिया भी यहां पर इस सब में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ये केस बहुत ही कमजोर है, और अगर कोई भी ठोस सबूत नहीं है तो यहां पर ये केस 2 मिनट में ही गिर जाएगा। ये यहां पर ईडी को दो टूक सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कहा था। और आज यहां पर संजय सिंह को देखना होगा कि राहत मिलती है या कोर्ट क्या फैसला लेता है। आगे की जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। एक और अपडेट बताते चलें, महाराष्ट्र के स्पीकर की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। शरद पवार के गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है याचिका। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, शरद पवार गुट की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एनसीपी की याचिका पर अब सुनवाई के लिए राजी हो गया है। इसमें अजीत पवार और 7 अन्य विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत जल्द कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है। शरद पवार गुट ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष को यहां पर दल बदल विरोधी कानून के तहत अजीत पवार के नेतृत्व वाले बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली उनकी याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दे, क्योंकि यहां पर स्पीकर की तरफ से लगातार मामले में देरी की जा रही है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा है कि अदालत ने स्पीकर से इन याचिकाओं को सूचीबद्ध करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि वह उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार गुट की याचिकाओं को एक साथ यहां पर सूचीबद्ध करेगी। ये यहां पर दोस्तों पूरा मामला सामने निकल के आया है। अब महाराष्ट्र के स्पीकर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि लगातार यहां पर देरी की जा रही है विधायकों की अयोग्यता के मामले में स्पीकर की तरफ से। ये यहां पर दोस्तों अपडेट ताजा सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें,
ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी एक बार फिर से आज देखने को मिल रही है। एक और आम आदमी पार्टी के विधायक पर ईडी ने कसा है शिकंजा। दिल्ली में अमानतुल्ला खान के घर पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। जी हां दोस्तों, इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायकों की मुश्किलें दिन पर दिन यहां पर बढ़ती ही जा रही है। जल्द ही लोकसभा का चुनाव होना है, उससे पहले ऐसी कार्रवाई पर विपक्षी गठबंधन इंडिया का कहना है कि ये तो स्वाभाविक है क्योंकि भाजपा डरी हुई है, इसलिए वो विपक्षी नेताओं को डराने का काम कर रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन डरने वाला नहीं है, भाजपा जो करना चाहती है कर ले, इसका जवाब जनता उसको देगी। आज बताते चले, सुबह सुबह एक और विधायक के घर पर ईडी की टीम पहुंची और जाँच कर रही है। बताते चले आप लोगों को, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने छापा मारा है और उनके ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और अपडेट बताते चलें। राजस्थान में टिकट बंटवारा होते ही भाजपा के अंदर भारी बगावत देखने को मिल रही है। बीजेपी की पहली सूची के बाद शुरू हो चुकी है बगावत। पूर्व विधायक ने लिखा, जिसे टिकट दिया उसकी जमानत जब्त होगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की तारीखों का ऐलान हो गया है। 23 नवंबर को मतदान व 3 दिसंबर को मतगणना है और वहीं आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। इस बीच भाजपा ने अपने 41 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी। भाजपा की पहली सूची जारी होने के बाद बगावती सुर भी अब यहां पर उठने लगे हैं। राजस्थान भाजपा ने भरतपुर जिले की नगर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार की विधायक अनीता सिंह गुर्जर का इस बार यहां पर टिकट काट दिया है। उनकी जगह पर जवाहर सिंह बेडम को प्रत्याशी घोषित किया गया है। इस पर पूर्व विधायक अनीता सिंह गुर्जर ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भाजपा ने प्रत्याशी इस सीट से घोषित किया है वो यहां पर बुरी तरीके से हारेगा, उसकी जमानत जब्त होगी। ये यहां पर बगावती तेवर भाजपा के अंदर से अब दिखने लगे हैं दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। एक बार फिर से अडानी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बड़ा खुलासा एक बार फिर से हुआ है। जी हां दोस्तों, हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि अडानी समूह लंदन के एक बड़े अखबार के पत्रकार को निशाना बना रहा है। माना जा रहा है कि अखबार और पत्रकार अडानी समूह के खिलाफ एक नई स्टोरी पर काम कर रहे हैं जो कुछ दिनों में यहाँ पर प्रकाशित होने वाली है। बताते चलें, रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी समूह का कहना है कि विदेशी अखबार पुरानी खबर को ही दोबारा एक साजिश के तहत प्रकाशित करना चाहता है। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। लगातार राहुल गांधी हमलावर नजर आ रहे हैं, अडानी का मुद्दा भी चुनावी रैलियों में उठा रहे हैं और केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहे हैं। इन सब के बीच में यहां पर ये बड़ा खुलासा हुआ है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार बोली, इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत है, भाजपा को जरूर हराएगा। लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार ने भरोसा जताया है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया काफी मजबूत है और वह भाजपा को आने वाले लोकसभा के चुनाव में जरूर हराएगा। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की बैठक में हिस्सा लेने के बाद यह बड़ा बयान दिया है दोस्तों। ये यहां पर इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को मुख्य समाचारों को दोस्तों शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।